मेरा नाम अमृत तिवारी, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूँ। तो इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th लेटरल एंट्री टेस्ट जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेबस क्या होता है, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ लेटरल एंट्री टेस्ट जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th, ठीक है, जो कि 2022 में होगा, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो देखो भाई, जो क्लास 9th में सिलेबस होने वाला है, उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि 4 सब्जेक्ट आता है क्लास 9 के लिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और फिर आपका साइंस। इंग्लिश 15 क्वेश्चन होता है, जो आपका मैथ्स होता है वो 35 क्वेश्चन होता है, साइंस 35 क्वेश्चन होता है और हिंदी भी आपका एज यूजुअल 15 क्वेश्चन ही होता है। ठीक है, तो उसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, बिकॉज सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको क्या पढ़ना है वो चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी हम अपना फोकस उस पर ज़्यादा रख पाएंगे। ठीक है, तो भाई सिलेबस क्या है, क्या नहीं है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर नहीं रहने वाला है, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से दूंगा। ठीक है, अब आपको आपकी स्क्रीन पर पीछे दिख रहा होगा, ठीक है, ये सबसे पहले आपको इंग्लिश का सिलेबस दिख रहा होगा। देखिए, सबसे ऊपर आप पढ़ेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज रहेगा, ठीक है, वर्ड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पेलिंग रीअरेंजमेंट मतलब रीअरेंजमेंट वगैरह रहेगा, ठीक है, उसके बाद पैसिवेशन होगा, ठीक है, यूजेज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन होगा, फिर मॉडल ऑक्सिलरीज होगा, ठीक है, ठीक है, उसके बाद यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन होगा, टेंस होगा, टेंस का फॉर्म होगा, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला लफड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदी में आते हैं, तो हिंदी में भाई सबसे पहले तो आपका व्याकरण तो जरूर होगा भाई, क्योंकि व्याकरण भाई हिंदी, भाई हिंदी मतलब कि मेन उसका हिंदी ग्रामर, ठीक है, तो हिंदी ग्रामर तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसमें क्या रहेगा भाई, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ रहेगा, ऐसे वर्ड विचार, आप मतलब वीडियो को रोक करके आप नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कैसे भी आप इन सिलेबस को नोट करके अपने पास रख लो, कैसे भी, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, चाहे आप कॉपी पेन में नोट कर लो, ठीक है, कॉपी पेन से नोट कर लो। देखो, वर्ड विचार हो गया, शब्द भेद हो गया, पर्यायवाची विलोम शब्द विवेक, ठीक है, उसके बाद वाक्य रचनात्मक पद है, फिर आपका पद परिचय, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, मुहावरा, लोकोक्तियां, ये सब आपका है। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई जनरल साइंस, जनरल साइंस में थोड़ा सा ये बड़ा है, ठीक है भाई, ये मतलब चूंकि ये जो है मतलब टोटली जो आपका क्लास 8th के बेसिस पर ज्यादा होता है, ज्यादातर चैप्टर जो भी होंगे वो आपकी क्लास 8th के ही होंगे। ठीक है, 9th के भी कुछ ना कुछ होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप जनरल साइंस यानी कि साइंस में देखिए क्या है भाई, उसमें आपको फूड है, ठीक है, जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड प्रिजर्वेशन, सिंथेटिक फाइबर, मतलब कि काफी बड़ा है, मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि भाई मैं पूरा पढ़ूंगा कोई मतलब नहीं पड़ेगा, आप उससे बढ़िया आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, आपको आसानी से दिख ही रहा है। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, फिर उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल मतलब ये करके, ग्रेविटेशनल फोर्स, थ्रस्ट एंड प्रेशर, लाइट, नेचुरल फिनोमेना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा बहुत ज्यादा चैप्टर है, आपको बहुत फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस इज लार्ज, सिलेबस आपका जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, यूज है। ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं अपनी मैथमेटिक्स पे यानी गणित पे। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपका क्या है भाई, आप देख सकते हो रेशनल नंबर, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, एक्सपोनेंट, पावर, फिर आपका है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये सब है। ठीक है, फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेटरल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोमबस, ये सब आपका आएगा। ठीक है, मतलब इन सब के आप भी मतलब आसानी से आप पीछे देखकर सब चीज़ों को नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं सब चीज़ तो नहीं बता सकता हूँ आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी बिग है। आप देख लीजिए, इंग्लिश का सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, मैंने आपको हिंदी का सिलेबस भी दिखा दिया, ठीक है, मैथमेटिक्स का सिलेबस भी मैंने आपको दिखा दिया, उसके साथ साथ मैंने आपको साइंस का सिलेबस भी छोटा जो था वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखिए भाई, आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो थोड़ा आपका जो सिलेबस दिख रहा है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि भाई हिंदी भी है, हिंदी में भी कई सारे व्याकरण के चैप्टर हैं, इंग्लिश है, इंग्लिश में भी कई सारे भाई ग्रामर के साथ साथ अनसीन पैसेज वगैरह हैं। ठीक है, आप अगर साइंस को देख रहे हो तो साइंस में लगभग आप मान लो कि 8th का तो पूरा है, 7th का भी कुछ पोर्शन लिया गया है, 9th का भी कुछ पोर्शन लिया गया है, मैथमेटिक्स में एज यूजुअल 8th का तो पूरा लिया हुआ है, 7th का कुछ पोर्शन, 9th का कुछ पोर्शन, मतलब कि टोटली सिलेबस आपका लार्ज है, कंपटीशन हाई होता है। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दिया है, और रुक जाओ अभी, अगर दिल से क्रैक करना है नवोदय विद्यालय, एक्यूरेट जानकारियां पानी है, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय एज यूजुअल आई हैव टोल्ड यू, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि एक्यूरेट डिटेल दूंगा क्लास 9th की, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हमारे चैनल पर पहले भी थी, अभी भी हैं और लगातार आ भी रही हैं, तो कर लो अभी के अभी सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब में पैसा नहीं लगता है, भले बाद में पास होने के बाद आप सब्सक्राइब कर देना, दिल से चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर दिल से नवोदय निकालना चाहते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।